गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ मधु शर्मा। होपफुली आप लोगों को सिक्किम सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी, बिकॉज मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोगों ने भेजे हैं। एंड मुझे सीरियसली बहुत ही अच्छा लगता है जब आप मुझे इतना सारा प्यार देते हैं मेरे ब्लॉग्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, दिल से आप सबका दिल से शुक्रिया। आज मैं जा रही हूँ बॉम्बे से ही कहीं नज़दीक। कहाँ, ये आप लोगों के लिए है सरप्राइज। ये है मेरी बिल्डिंग जहाँ से मैंने आज शुरू की है व्लॉगिंग, और मैं निकल रही हूँ कहीं, तो कहाँ वो मैं आपको बताऊँगी वहाँ पहुँचने के बाद। सो सी यू देन, जहाँ भी मैं जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं बॉम्बे से बाहर जा रही हूँ, मैं ना ट्रेन से जा रही हूँ, ना फ्लाइट से जा रही हूँ, ना रोड से। सो मैं जा रही हूँ कॉर्डेला क्रूज के साथ। सो नेक्स्ट 3 डेज इसी शिप में होने वाले हैं। इट्स अ ह्यूज शिप, इट इज कॉल्ड एज कॉर्डेला क्रूज, एंड आई एम सुपर 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 एक्साइटेड बिकॉज ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। इसके पहले मैं कभी क्रूज पे नहीं गई हूँ। बहुत बार प्लानिंग हुई बट कभी भी जा नहीं पाई, एंड आई एम सुपर हैप्पी कि ये क्रूजिंग मैं कर रही हूँ इंडिया में। आई एम तो सुपर 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 एक्साइटेड, एंड आई नो आप लोग भी सुपर सुपर एक्साइटेड हो गए। और मेरे साथ है, देखिए रिद्धु। हाय सुरधान, कैसा लग रहा है? I am very excited. It's so big. Yeah, it is so big. And we are in the royal suite for the first time. Yes, and we are in the royal suite. So हम लोग को treatment भी वैसा ही मिला। अंदर काफी भीड़ थी, लेकिन क्योंकि हम लोग suite में हैं, तो हम लोगों को कोई भी line में खड़ा नहीं होना पड़ा। फटाफट हम लोगों ने क्लियर किया, एंड अब हम आ गए यहाँ पे। और मैं अपना एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रही हूँ, और मुझे फटाफट शिप में जाना है। तो चलिए मेरे साथ, कम इतनी, चले। Yes. और जा रहे हैं।
ये है हमारा रूम एंड इट इज वेरी नाइस एंड वेरी स्वीट. ये छोटा सा प्लेस है जहाँ पे हम बैठ सकते हैं. और यहाँ से वाओ व्यू मिल रहा है. और आप लोग को दिखाती हूँ यहाँ का वॉशरूम. चलिए ये है छोटा सा वॉशरूम. फाइनली हम लोगों ने चेक इन वगैरह कर लिया. मैंने आप लोग को रूम टूर कराया. बहुत ही खूबसूरत रूम है. ये है हमारा रूम जो हमारा नेक्स्ट 3 डेज के लिए हमारा अड्डा रहेगा. एंड सबसे बेस्ट चीज़ अगर इस रूम की मुझसे पूछोगे तो मुझे ये प्लेस लगी है. डेस्क तो छोटा सा हमको मिला है एंड आई नो मेरा मैक्सिमम टाइम यहीं पर गुजरने वाला है. मेरी चाय कॉफ़ी मेरा इवनिंग टाइम सब यहाँ निकलने वाला है. एंड नेक्स्ट 2 दिन में ये पूरा शिप एक्सप्लोर करने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं. ये किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं है. पानी पे तैरता हुआ 5-स्टार होटल है. मैंने इसकी पहले कभी भी क्रूजिंग नहीं की है. ये पहली बार मैं कर रही हूँ. आई एम सुपर एक्साइटेड. मुझसे मेरा एक्साइटमेंट रोका ही नहीं जा रहा है. एंड आई एम वेरी हंग्री क्योंकि सुबह जल्दी निकल गए थे. पूरा मतलब 8 o'clock का टाइम था यहाँ पे बोर्डिंग का. लेकिन बाद में पता चला कि पोर्ट अथॉरिटी 4:30 के बाद ही बंद कर देती है. सो वी हैव टू कम अर्ली. हम जल्दी आए. 12:30 बजे मैं घर से निकली हूँ. एंड मैं नाश्ता किया था उसके बाद कुछ खाया नहीं तो फटाफट कुछ खाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको बाद में. सो स्टे ट्यून्ड. हम लोग आ गए क्रूज पे. हैप्पी इज सुपर हैप्पी. हम लोगों ने ये बुक किया था 2 महीने पहले. ऑलमोस्ट 3 महीने पहले बुकिंग की थी. एंड उसकी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है. मेरी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है. सो वी वर वेरी डाउटफुल कि पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे. बट फाइनली वी मेड इट. बताया बहुत जोर से भूख लगी थी. हम लोग फूड कोर्ट में आ गए. यहाँ पे 3 रेस्टोरेंट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको जानकारी थोड़ी देर के बाद दूंगी. पहले मैं पेट पूजा करती हूँ उसके बाद आपको मिलती हूँ और आपको खाने के बारे में बताती हूँ खाना कैसा है. सो स्टे ट्यून्ड. कहीं जाना नहीं. आपको पूरा दिन शिप पे घुमाने वाले हैं. सो साथ में रहना. आप देख सकते हैं फुल्ली क्राउडेड और अभी लोग चेक इन कर ही रहे हैं. और I'm
सो अभी की ताजा खबर ये है कि हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे पूरी शिप कि यहाँ पे कहाँ कहाँ क्या क्या है, उस चक्कर में हम लोग घूम गए, अभी हमारा रूम नहीं मिल रहा है। सो अभी हम लोग किसी को पूछते हैं कि एक्चुअली हमारा रूम कौन सी साइड है, बिकॉज हम इस साइड आ गए हैं। कौन सी साइड है? इस तरफ हाँ। सही थे हम, मैंने बोला था ये सही था। देखा, इसलिए कहते हैं बच्चों की बात माननी चाहिए, हम बच्चों की बात मान नहीं रहते और हम लोग गलत जगह चले गए। तो फाइनली रूम मिल गया एंड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स आवर रूम। सो खाना खाने के बाद अभी हम लोग रूम पे वापस आ गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग घूम गए थे, उनको रूम नहीं मिल रहा था, बट हम लोग को ढूंढ ढांड के आ गए अपने रूम में। ये कीज मिली है हम लोगों को, जो कि नेक्स्ट 3 दिन तक संभाल के रखनी है। यही हमारा रूम की भी है और खाने वाने सब के लिए इसी को यूज़ होता है। इसमें पैसे भी हम लोगों ने अपलोड किए हुए हैं ताकि अगर हमें कुछ ख़रीदना है या कुछ एक्टिविटी जो यहाँ पे रूम के साथ इंक्लूसिव नहीं है उसको अगर करना है तो इससे हम पे कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये गुम गया तो एनीबडी कैन यूज़ योर मनी, सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड आप रूम में भी नहीं आ पाओगे। सो दिस की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर वी सेल ये लोग ड्रिल कराते हैं ताकि अगर कभी बाई चांस इमरजेंसी हो, कुछ जो नहीं होगी पर अगर बाई चांस कुछ हो गया तो लाइफ जैकेट कैसे यूज़ करना है और सेफ कैसे होना है, तो उसके लिए लोग ड्रिल करते हैं। सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन, सबको आना पड़ेगा, सबको सिक्स डेक नंबर 6 पे जाके सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और वहाँ पे दिल एक्सप्लेन एज एवरीथिंग। सो अभी आधा घंटा और है, 6:30 में 7 बजे ड्रिल है और हम लोग 8 बजे निकल जाएंगे। सी द व्यू, इट्स सो नाइस। और ये नेक्स्ट 2 दिन तक यही व्यू साथ में रहेगा, हम लोग सी के बीच में रहेंगे। अब ये आज यहाँ से निकलेगी और कल जाएगी मतलब द सी, वहीं पे हम लोग कल पूरा दिन गुजारेंगे। फिर परसों ये जाएगी गोवा और उसके नेक्स्ट डे हम विल बी बैक टू बॉम्बे। सो ये हमारा शेड्यूल है फॉर नेक्स्ट 3 डेज। आई एम सो हैप्पी दैट मैं अपना ये एक्सपीरियंस, मैं अपना ये क्रूज़ का पहला एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अनाउंसमेंट हो रहा है, please pay attention to the following given instructions in order to avoid accidents. Never throw lit cigarettes overboard, the wind may bring them back and start a fire. Watch your step and hold on to the handrails while using staircases. Be careful on the open decks, they may become slippery because of humidity. अभी टाइम हो गया है निकलने का, इन लोगों ने सारे रोब्स को रोल कर लिया है, बस वी गोना लीव नाउ एनी मूवमेंट एंड वी आर सुपर 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 एक्साइटेड, राइट रधान? यस, एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड। सो हम लोगों का, हम तीनों का ये पहला क्रूज है एंड वी आर सुपर 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 एक्साइटेड। एंड नाउ द बोट इज गोना स्टार्ट मूविंग। Yes. The boat is going to start sailing now and we were just waiting for this moment because subah se, like we were here at 2 o'clock. From 2 o'clock onwards we were waiting ki kab shuru ho and the moment has arrived, it will start sailing any moment and we are super 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 excited, right? And we can have dinner in a sailing boat. Yes, we can have dinner in sailing boat. And gym and sleep. Jim will do it tomorrow. Yeah, tomorrow morning at 7 o'clock. So Ridhan has promised me ki kal subah jaldi uthega mere sath, breakfast karega aur fir karega mere sath gym. So kal ka program kal, abhi filhal ye excitement mein roz nahi pa rahi hu because ye kisi bhi moment shuru ho sakti hai. Yes. So jaise hi shuru hogi aap waapas milti ho. डिनर के लिए
फोर्थ फ्लोर पे हम लोग जा रहे हैं. रेस्टोरेंट का नाम है स्टारलाइट एंड सेम मेन्यू मिलता है जो फूड कोर्ट पे है वही हमको स्टारलाइट पे भी मिलता है. बट इट इज़ लाइक द एम्बियंस इज टोटली डिफरेंट, द सेटअप इज टोटली डिफरेंट. सो चल के देखते, मैं भी गई नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ. सो चलिए देखते हैं कैसा है स्टारलाइट का सेटअप. कब आते हैं आ गए स्टारलाइट में. ये है फाइन डाइनिंग. यहाँ पे द अरेंजमेंट इज रियली वेरी नाइस. खाना सेम मिलता है जो फूड कोर्ट में मिलता है, वही आपको यहाँ सर्व होता है. दो फ्लोर का है ये. इसके ऊपर जो है वो है वेजिटेरियन खाना, जैन फूड मिलेगा आपको, और नीचे आपको नॉन वेज और नॉर्मल वेज खाना मिल जाएगा. एम्बियंस इज रियली वेरी नाइस. मैंने आई डोंट वांट, मतलब मुझे मन नहीं कर रहा था कि कुछ हैवी खाऊँ, तो मैंने दाल चावल लिया है एंड लिटिल सैलेड, तो मैं वही खा रही हूँ. बट बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं. बट रात को हैवी नहीं खाने का मन कर रहा, और वैसे भी आज रात को कुछ एक्टिविटीज़ करने का भी मन नहीं कर रहा है. मेरे ख्याल से मैं खाना खाने के बाद आधा घंटा उठी रहूँगी, थोड़ा यहाँ वहाँ घूमूंगी और फिर जाके सो जाने वाली हूँ. कल के लिए हम सारी एक्टिविटीज़ रखेंगे. आज कोशिश करके अच्छी सी नींद ले लूँगी ताकि मॉर्निंग सनराइज़ मुझे मिले. सनराइज़ बहुत ज़रूरी है, यहाँ का सनराइज़ बहुत खूबसूरत होगा. And this is like मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, सो आई एम द सुपर एक्साइटेड. सो अभी मैं करती हूँ डिनर, फिर उसके बाद लेके चलती हूँ आपको वॉक के लिए. सो स्टे ट्यून्ड. सो ये हम लोग डेक नंबर 6 पे हैं एंड यहाँ पे बाहर निकल सकते हो एंड द फील इज सो गुड. ये देखिए सी दिख रहा है पूरा. एंड दिस इज सो स्कैरी. पूरा अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा है सी पे. एंड ये है हमारा शिप. तो जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग डेक नंबर 6 पे हैं एंड अगर शिप के बाहर देखो इट इज़ वेरी स्केरी, क्योंकि पूरा अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है. उसके पहले तो फिर भी हम लोग कुछ शिप्स दिख रही थी आजू बाजू में, अब तो बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है. तो एकदम अंधेरा है और हम लोग इस शिप पे हैं एंड इट इज़ लाइक वेरी स्मूथ. बिल्कुल झटके वटके नहीं फील हो रहे हैं कि ऐसा कुछ धुड़ुम धुड़ुम फील हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत स्मूथ सेल कर रही है, आराम से वॉक कर सकते हैं एंड दिस इज़ वेरी नाइस. अभी डिनर ख़त्म कर लिया, अभी हम सोच रहे हैं कि पूरा शिप घूम के देख लें कि क्या क्या है यहाँ पे, ताकि कल सुबह शूट करने के लिए ईजी हो. काफ़ी बड़ी शिप है और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है यहाँ पे. सो मैं सोच रही थी खाना खाया है तो इमिजिएटली सो तो सकते नहीं हैं, तो थोड़ा घूम के देखें क्या क्या है यहाँ पे चीज़ें, ताकि कल एक्सप्लोर करने के लिए इजी हो जाए. तो मैं घूम रही हूँ और आपको भी साथ में घुमा रही हूँ. सो कम विद मी. तो पूरी शिप पे घूम घाम के अभी मैं आ गई वापस अपने रूम पे. अब हो गया सोने का टाइम, बहुत थक गए हैं. सुबह जल्दी उठी थी एंड पूरा दिन आज घूमना फिरना ही चलता रहा, यहाँ से वहाँ से यहाँ ट्रैवलिंग बहुत हुई, तो मैं बहुत थक गई हूँ. आप रेडी रहिए कल के लिए, बिकॉज मैं पूरा शिप घूम चुकी हूँ. अब बारी है आपकी. कल आप लोग को घुमाऊंगी पूरा शिप और दिखाऊंगी इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, कितने रेस्टोरेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग द वर्ल्ड ऑफ मधु शर्मा और ऐसे ही मुझे ढेर सारा प्यार करते रहना. लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट.